तो सोचा था इस फ़ोन में अपडेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मगर दोस्तों रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स पर भी जो दोस्तों कुछ दिन पहले अपडेट आई है, जो MIUI 12.5 और दोस्तों करीब 311 MB की ये अपडेट थी, और दोस्तों कुछ कुछ लोगों को 2 GB में अपडेट मिली है, तो दोस्तों यहाँ पर वेरिएंट में ये अपडेट चेंज हो जाती है। मतलब कि दोस्तों अगर आपके फ़ोन में 8 GB रैम या फिर 6 GB रैम या फिर 4 GB रैम है, तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट को कन्वर्ट किया जाती है साइज में। तो इस अपडेट को सक्सेसफुली इंस्टॉल करने के बाद कुछ प्रॉब्लम आई है जो दोस्तों रियल लाइफ में हो रही है। मेरे पास एक नोट 9 प्रो मैक्स है, उन पे दोस्तों एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सामने आई है अपडेट कंप्लीट करने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर कोई फीचर्स के बारे में बात नहीं हुई, यहाँ पर सिंपल से जो प्रॉब्लम आई है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना कुछ इधर-उधर बातें ना करके आज ये मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो सत श्री अकाल, मेरा नाम है बरम गोरा, आप सब नाम सब लोग का यूट्यूब चैनल टेलीग्राम बराम या फिर आप कह सकते हो TBYZ मेरे चैनल की निगम है। तो दोस्तों शायद आप लोगों को पता है कुछ दिन पहले X3 प्रो पर एक ऐसा अपडेट आ गया है कि दोस्तों मोबाइल डेट हो जा रही है अपडेट को कम्प्लीट करने के बाद। तो दोस्तों वो फोन अलग है, मगर दोस्तों जो ब्रांड है मतलब कि जिस ब्रांड की तरफ से ये फोन आती है वो दोस्तों सेम ही है। स्वामी की तरफ से पोको भी फोन आती है और दोस्तों यहाँ पर रेडमी की भी आती है, मतलब लॉजिक की मच। तो दोस्तों वो थी अलग बात। तो दोस्तों इस फोन में हीटिंग इश्यूज ये सब हो रही है, तो दोस्तों इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ये तो थी दोस्तों नॉर्मल इश्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो फोन थी उस पर अपडेट कंप्लीट करने के बाद 2 दिन के अंदर एक प्रॉब्लम दिखा गया, मतलब कि फास्ट बूस्ट हो रही है फोन ऑटोमेटिकली, मतलब कि मोबाइल ऑटोमेटिकली लॉक हो रही है और दोस्तों ओपन हो रही है, फिर से लॉक हो रही है, फिर से ओपन हो रही है, और कोई भी बटन डिस्प्ले कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिकली ऐसा होते रही है। तो दोस्तों मैं इस प्रॉब्लम को लेकर सर्विस सेंटर पर विजिट किया था, जैसे कि आप देख सकते हो डिस्प्ले पर। वहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरा फ़ोन ले लिया और दोस्तों 2 घंटे के लिए वहाँ पर बैठा है, और दोस्तों नोट 9 प्रो मैक्स की जो ओल्ड अपडेट थी वो दोस्तों इंस्टॉल कर दिया। तो दोस्तों वहाँ पर कैसे पता चला कि मेरे फ़ोन पे क्या प्रॉब्लम हो रही थी? तो दोस्तों वो फ़ोन जब ठीक करके दे दिया तब उन्होंने बताया कि दोस्तों ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही है कि अपडेट को कंप्लीट करने के बाद मोबाइल पे प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कुछ फोन पे प्रॉब्लम तो मोबाइल डेट हो जा रही है और दोस्तों कुछ कुछ फोन पे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों हमारा फोन तो 2 घंटे में ठीक हो गया। तो दोस्तों इसीलिए वहाँ पर सिंपल से मोबाइल ले जाने से ही पता चल जा रही है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों देख सकते हो कितने बड़े रकम से मोबाइल डैमेज हो रही है इस अपडेट में, और दोस्तों वहाँ पर से साफ साफ कह दिया गया कि दोस्तों 3 महीने के अंदर जो MI की फोन में अपडेट आ रही है वो दोस्तों कभी भी आप इंस्टॉल मत करना, चाहे दोस्तों आपके पास पोको की फोन है या फिर स्वामी की या फिर रेडमी की या फिर जियो ने की, मतलब कि स्वामी की तरफ से जो भी अपडेट अभी आ रही है उसमें दोस्तों कुछ ना कुछ बग्स है ही है, कुछ मोबाइल सर्वाइव कर जा रही है और दोस्तों कुछ मोबाइल डेड हो जा रही है, और दोस्तों कुछ मोबाइल पे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों जब आप सर्विस सेंटर पे जाओगे तब दोस्तों एक कागज दिया जाएगा आपको कि आपके फोन हम लोगों ने रखा है। तो दोस्तों ये तो थी बड़ी प्रॉब्लम। दोस्तों और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि बैटरी लाइफ आगे से बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, मतलब कि पहले जितना बैटरी बैकअप दे रही थी अभी उससे बहुत ज्यादा कम बैटरी बैकअप दे रही है अपडेट कंप्लीट करने के बाद। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। और दोस्तों मेरा फोन तो ऑटोमेटिकली फास्ट बूस्ट हो रही थी, और दोस्तों कुछ कुछ फोन ऐसा भी है जिन पे दोस्तों ऑटोमेटिकली रिसेट हो जा रही है मोबाइल, जो दोस्तों फैक्ट्री रिसेट या फिर हार्ड रिसेट कहा जाती है, मतलब कि जितनी भी पार्सल एंड डाटा है आपकी वो दोस्तों चला जाएगा। तो सकते हो रेडमी की फोन ना सेफ है ना दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग करती है। पहले दोस्तों सैमसंग को हेट कर रहा था और दोस्तों MI को थोड़ी बहुत पसंद करने लगा था, मगर दोस्तों ये चीज देख के MI को भी मैं हेट करने लगा हूँ। हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इस अपडेट को कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे फोनों में अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम दिखा जा रही है, ऑटोमेटिकली शट डाउन हो रही है और दोस्तों ओपन नहीं हो रही है, मतलब कि डेट हो जा रही है, दोस्तों स्क्रीन व्हाइट होके रह जा रही है, डिस्प्ले पर ऑटोमेटिकली क्लिक हो रही है, मतलब कि दोस्तों आप किसी अदर एप्लीकेशन पे क्लिक कर रहे हो और दोस्तों क्लिक और अदर एप्लीकेशन पे हो रही है, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रही है, प्ले स्टोर पर ऑटोमेटिकली एप्स डाउनलोड हो जा रही है। और दोस्तों इस फोन पे एक अच्छा पैसा दिया गया, जैसे कि स्नैपड्रैगन की 720G पैसा दिया गया, एंड्रॉइड 11 दिया गया, और दोस्तों बैटरी भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा दिया गया, 5020 mAh की बैटरी दिया गया। तो दोस्तों फिर भी ये सब प्रॉब्लम अभी सभी लोगों को पेश हो रही है नोट 9 प्रो मैक्स यूजर को। तो दोस्तों मेरी विनती आप लोगों से यही है कि दोस्तों अभी 3 महीने के अंदर कोई भी अपडेट आप कंप्लीट मत करो आपके फोन में। दोस्तों अगर आप गलती से कोई अपडेट दे चुके हो, आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो दोस्तों कुछ दिन वेट करो, 3 महीने के बाद एक अपडेट दिया जाएगा अच्छा खासा, जिस पे ये सब बग्स को सही तरीके से फिक्स किया जाएगा,
क्योंकि दोस्तों आप इस स्वामी को बहुत सारे रिपोर्ट चला गया है कि दोस्तों आपकी इस अपडेट में बहुत सारे बग्स, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम झेलना पड़ रही है। अगर आपके फोन में इस अपडेट को कंप्लीट करने के बाद थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों सिंपल से आप सर्विस सेंटर पर विजिट करो और दोस्तों वहाँ पर से पुराना अपडेट को इंस्टॉल कर लो। और दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करनी है, सिंपल से दोस्तों आपको आपके फ़ोन को लेके आपने सर्विस सेंटर पे विजिट करनी है। आपके नियर पे जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर जाके आपको फ़ोन देनी है और दोस्तों ऑटोमेटिकली उनको समझ जाएगा कि दोस्तों क्या प्रॉब्लम आपको पेश हो रही है। दोस्तों बहुत सारे फ़ोनों में ऐसा ही सेम प्रॉब्लम है, तो ये सब को देख के नोट 9 प्रो मैक्स यूज़र की कुछ ऐसे हालत होगा। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑल प्रेस करना। और दोस्तों ऐसे अगर वीडियो देखना चाहते हो सिंपल से दोस्तों प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। दोस्तों आपके पास ऐसे वीडियो हर रोज लाने की कोशिश करें, अगर आपके सपोर्ट ऐसा बना रहेगा तो मैं ये सक्सेसफुल कर पाऊंगा। तो दोस्तों चलिए तब तक के लिए बाय, घर पर ना सेव रहना। और दोस्तों जैसे पहले बताया थोड़ी बहुत सपोर्ट देखना। चलिए बाय, राम राम।